ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। झारखंड जिले के जमुआ प्रखंड काजी मगहा गांव के मुस्लिमों ने अपने हिंदू पड़ोसी की मौत के बाद उसके शव को कंधा देकर शमशान घाट तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि शव यात्रा के दौरान प्रचलित राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए। गिरिडीह से पहले भी सांप्रदायिकता सद्राव की ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। काजी मगहा गांव के निवासी जागो रविदास, जिसकी उम्र करीब 90 वर्ष थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, जिनकी मृत्यु बुधवार को हो गई। खबर पाते ही गांव के तमाम मुस्लिम युवक अर्थी सजाने की तैयारी में जुट गए। कोई बांस काट रहा था तो कोई उसे फूलों से सजा रहा था। उसके बाद चार युवकों ने अर्थी को कंधे पर रखा और शमशान घाट की ओर रवाना हो गए और हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। मौके पर मुख्य रूप से असगर अली, अनामुल हक, नजमुल हक, जमरुद्दीन खान, माफी कली, अशफाक खान सहित कई लोग शामिल थे। मैं मोहम्मद असगर अली, झारखण्ड जिला गिरिडीह प्रखंड जमुआ पंचायत मगहा कला से हूँ। साथियों, आप हमेशा इस बात को भारत में सुनते आए होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब बहता है और इसका जो है नमूना आज इस गांव में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं कि जागो रविदास का, जो जागो रविदास इस गांव में बरसों से रहते थे, हमारे पूर्वज के दौर से यहाँ पे रहते थे। आप हम बात बता दें पहले कि इस गांव में जो है यहाँ काजी मगहा पूरे तरीके से अल्पसंख्यक के गांव है, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं। एक घर था जागो रविदास का जो यहाँ पे रहते थे, लेकिन जागो रविदास का एक सपना था कि जागो रविदास हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारा जो है जन्मभूमि काजी मगहा है, मेरा जो है जब कर्मभूमि काजी मगहा है तो हमारा इसी भूमि में, इसी काजी मगहा में अंतिम संस्कार भी हो। और उनका सपना था कि अंतिम संस्कार भी जो हो वो कोई हिंदू लोग नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम परिवार के लोग करें, क्योंकि उनका जागो रविदास का जो यहाँ पे विचार था, जो लोगों में प्यार था, जो लोगों में एक विश्वास था, उसका आज नमूना हम लोग देखे कि जो अगर कंधा भी दिया अगर जागो रविदास का, तो कंधा भी देने वाला कोई जागो रविदास का था तो मुस्लिम भाई के लोग थे। और आज अंतिम संस्कार में आप देख सकते हैं कि हमारे गाँव से जो है महिलाएं भी बहुत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।